Morning friends, welcome again to Farisar Classes. Today we discuss our further topic from the Entrepreneurship Development and Management. तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्टेन फाइनल क्लियरेंस। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि एक स्मॉल इंडस्ट्री इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या जरूरत है, फाइनेंस का, सेड का, मशीनरी का। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्योंकि इसमें एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी बातों को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। इसमें मैं बहुत शॉर्ट में बताया हूँ आपको, ठीक है, इस और लंबा जाएगा तो मैं जितना हो सके उतना शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे और इजीली आपको समझ में आ जाए। तो फाइनल क्लियरेंस को ऑब्टेन करने का प्रोसेस में क्या क्या होता है। द एंटरप्रेन्योर आर रिक्वायर्ड टू टेक सेवरल फाइनल क्लियरेंस व्हेन रेडी फॉर द कमीशनिंग ऑफ और एज इट गोज इन द प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। हम जब कोई काम करते हैं तो हम क्या मेन अपना स्टार्ट करने जाते हैं, प्रोडक्शन करने जाते हैं। हम क्या करें, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको प्रोडक्शन देना है, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन करने जाते हैं तो हम क्लियरेंस करने के बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बिना क्लियरेंस का आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं तो कोई आकर रेड मार देगा, बोलेगा आप क्या करते हैं, फर्जी काम कर रहे हैं, आप काम कैसे स्टार्ट करते हैं, आपको ये क्लियरेंस नहीं मिला है, आपका ये लाइसेंस नहीं है। तो सारा लाइसेंस क्लियरेंस लेने के बाद हम जब स्टार्ट करते हैं, कमीशनिंग करते हैं, तो हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंगली द एंटरप्रेन्योर आर एडवाइज टू रेफर टू द वेरियस प्रीलिमिनरी क्लियरेंस दे हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू ऑब्टेन फाइनल क्लियरेंस और अप्रूवल्स एज रिक्वायर्ड। तो उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारे एक इंटरप्रेन्योर का सारे क्लियरेंस मिलता है कि हम आगे कैसे काम कर सकते हैं, अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक कास्टिंग की कंपनी खोल रहे हैं, ठीक है। तो कास्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्नेस का सारे इक्विपमेंट लेके आएंगे, हैंडलिंग का इक्विपमेंट लेके आएंगे, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का इक्विपमेंट लेके आएंगे, क्रेन लेके आएंगे, ठीक है। तो हम उसको कैसे ले जाना है, कैसे रखना है, हम उसको सेट बना दिए, उसका मशीनरी वगैरह सब चालू करके हम स्टार्ट करके रख दिए। तो हम जब क्लियरेंस लेने जाएंगे तो हम दिखाएंगे कि हमारे पास सेट भी है, मशीनरी भी है, हैंडलिंग इक्विपमेंट भी है, हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी है, हम उसको ग्लव्स से, हैंड ग्लव्स से पहन कर यूज़ करेंगे, हम उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। अब हम जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो सारे क्लीनिंग करने के बाद हम प्रोडक्शन स्टार्ट किए तो नेसेसरी स्टेप लेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करें, मटेरियल को रिफाइन करेंगे, फिर हम उसको फर्नेस में डालेंगे, फिर उसको मेटल को मल्टी मेटल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, सांचे में डालेंगे, फिर हम अपना डिजायर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सारे चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ में करना ज़रूरी होता है। अगर हम चीज़ अगर चाहेंगे सीधा हम छत पर चढ़ना मुश्किल है, उसको सीढ़ी लगाना पड़ेगा, तो सीढ़ी लगाएंगे तभी तो हम अच्छे से चढ़ पाएंगे, नहीं तो छत पर चढ़ेंगे, हमारे जितनी उतरना होगा कूद जाएंगे, पैर टूट जाएगा। तो हर चीज़ का प्रॉपर स्टेप होता है, तब जाके हमारा क्या होता है, एक क्लियर एंड कंसेप्ट वाला हमारा क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर हम बन सकते हैं, ठीक है। अगर एंटरप्रेन्योर है तो हर चीज़ को आपको कमांड रखना पड़ेगा, मल्टी टैलेंटेड जैसा वर्क करना पड़ेगा, आप एक चीज़ को काम फिक्स कर पकड़ कर रखिएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर को सारा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कहाँ पे हमको करना है, सारे क्लियरेंस लेना ज़रूरी होता है, सारा अप्रूवल करना ज़रूरी होता है। तो ये थी हमारे फाइनल क्लियरेंस के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम अगली वीडियो बनाऊँगा तो उसमें बहुत सारा अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा। तो मेरे वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको पेशेंस के साथ सुनने के लिए थैंक यू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, थैंक यू।